हेलो विद्यार्थी मित्रों, विद्युत स्थितिमान अने कैपेसिटर नू लेक्चर नंबर 3। लेक्चर 1 अने 2 ना सूत्रों आपने आवड़ता होवा जोईए। आ लेक्चर जोता पहला लेक्चर नंबर 1 अने 2 अवश्य जोवानू, तो ज आनी अंदर ख्याल आवशे। थोड़ो रिपीटेशन कर लईए। विद्युत स्थितिमान, पहला लेक्चर में विद्युत स्थितिमान तफावत, VA माइनस VB इज इक्वल टू B2A अपॉन Q व्याख्या थी। एकम वीजभार ने कोई एक बिंदु पर बीजा बिंदुए लई जवा माटे करवू पड़तो कार्य, ओके, इज इक्वल टू ए बी हो तो अँ ए टू बी ई डॉट डी आर, अने जो ए बी जगह लिमिट उलटाई दिए बी टू ए कर नाखी तो आग ई डॉट डी आर थी जैसे माइनस। ओके, बीजू सूत्र तो विद्युत स्थिति ऊर्जा तफावत यूए माइनस यू बी बराबर उन्हें डेल्टा यू लखूँ तो डेल्टा यू बराबर कार्य इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी। ओके, आ सूत्र पर आप तारवेलू व्याख्या सेम। एकम वीजभार माटे करवू पड़तू कार्य एटले विद्युत स्थितिमानो तफावत, अने क्यू वीजभार माटे करवू पड़तू कार्य एटले विद्युत स्थिति ऊर्जानो तफावत। लेक्चर नंबर 2 में आप चर्चा करी कि भाई क्यू वीजभार थी आर अंतरे आवेला कोई बिंदु पी पास विद्युत स्थितिमान सूत्र थाय वी बराबर के क्यू अपॉन आर, बिंदुवत वीजभारना कारण विद्युत स्थितिमान। लेक्चर नंबर 2 में आप समझिया डायपोलना कारण विद्युत स्थितिमान सूत्र वी बराबर के पी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वेर, अने ते आपणे ध्यान पर राख्यू कि विद्युत स्थितिमान मात्र स्थान सदिश आर पर नहीं परंतु आर अने पी वच्चेना एंगल थीटा पर आधार राखे छे। जो थीटा की किंमत 0 के 180 तो कॉस 0 180 प्लस माइनस 1 तो प्लस माइनस के पी अपॉन आर स्क्वेर, अने जो थीटा की किंमत 90 तो वी इज इक्वल टू 0। ओके मित्रों, आटला सुधी आप चर्चा करेली। लेक्चर नंबर 3 नी अंदर हवे आप जोईशू कवचना लीधे, विजभारित कवचना लीधे उद्भवतु विद्युत स्थितिमान। विजभारित गोराकार कवचना लीधे उद्भवतु विद्युत स्थितिमान। चलो गोराकार कवच लई लीए, विजभारित एना ऊपर विजभार लई लीए प्लस माइनस, कुल विजभार केटलो लई लीए आपणे, चलो क्यू लई लीए। मित्रों आपणे 11मा धोरणमां पण शीखी गया आ कोई विजभार कवच ऊपर होय तो एनु विद्युत क्षेत्रनु सूत्र आपणे 12मा धोरणमां पहला चैप्टरमां के क्यू अपॉन आर स्क्वेर आनी त्रिज्या धारी लीए आर। तो प्रश्न था तो विजभार तो सपाटी ऊपर छे पण आपणे विजभारने क्या धारवानो छे, केन्द्र पासे। द्रव्यमान केन्द्रनी थिअरी तमने याद छे, पृथ्वीनुं समग्र पृथ्वीनुं द्रव्यमान तेना કેન્દ્રમાં હોય છે, દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર। ખરેખર દ્રવ્યમાન તો કેન્દ્રમાં, એક્ઝેક્ટ બધું દ્રવ્યમાન કેન્દ્રમાં નથી, છતાં પણ સમગ્ર પૃથ્વીનું દ્રવ્યમાન તેના કેન્દ્રમાં કેન્દ્રિત થયેલું હોય એવું વિચારી શકાય, બિંદુને આપણે દ્રવ્યમાન કેન્દ્ર કીધું। એવી જ રીતે કોઈ પણ કવચ ઉપર જે વીજભાર હોય, વીજભાર તો સપાટી ઉપર જ રહેવાનું, પણ એ વીજભાર જાણે કેન્દ્રમાં હોય એવી રીતે વર્તે છે। તો ખરેખર વીજભાર જે સપાટી ઉપર, પણ આપણે ધારી લઈશું કે આ કેન્દ્ર ઉપર ક્યુ વીજભાર। ઓકે, આ ગોળાની ત્રિજ્યા લઈ લઈએ કેપિટલ આર। તો મિત્રો બિંદુ પી પાસે વીજભાર ક્યાં ધાર્યો, કેન્દ્ર ક્યુ પાસે, તો બિંદુ પી પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર શું થાય, કે ક્યુ અપોન અંતર આર। બિંદુ પી અહીં લઈ લઈએ ગમે તે બિંદુ, ટૂંકમાં કવચની સપાટી પર વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર કે ક્યુ અપોન આર થશે। ઓકે, હવે અંદર લઈ લઈએ કોઈ બિંદુ, એ આ બિંદુ લઈ લઈએ ક્યુ, આ પી લખી દો। તો ક્યુ બિંદુ એ ગોળાની કવચની અંદર છે, જો કવચની અંદર તેનું અંતર લઈ લઈએ સ્મોલ આર, તો અંદરના ભાગ માટે સ્મોલ આરની કિંમત એ ત્રિજ્યા કરતાં કેવી થઈ, ઓછી। તો બિંદુ ક્યુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાન કેટલું હોય, તો બિંદુ ક્યુ પાસે પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન કે ક્યુ અપોન સ્મોલ આર નહીં, કે ક્યુ અપોન કેપિટલ આર જ હોય। અંદરના ભાગ પાસે પણ વિદ્યુત સ્થિતિમાન સપાટી પર હોય એટલું જ હોય। અચ્છા, હવે આ થોડું સમજવાનું છે। ચેપ્ટર નંબર 1 ધોરણ 12માં ગાઉસના નિયમના 3 ઉપયોગ, એમાં છેલ્લો ઉપયોગ છે, કોઈ પણ ગોળાકાર કવચ હોય તો અંદરના ભાગે, તો પોલો છે તો અંદરના ભાગે ક્યુની કિંમત કેટલી, 0। જો ક્યુની કિંમત 0 હોય તો કોઈ પણ ગોળાકાર કવચની અંદરના ભાગમાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર 0 હોય, પહેલા ચેપ્ટરનું ટોપિક છે, એને કહેવાય ઇલેક્ટ્રોસ્ટેટિક શિલ્ડિંગ।
ओके ईनी किंमत जीरो है। अब समझी लेजो आ गोराकार कवच ईनी किंमत जीरो। गोराकार कवच नी अंदर ना कोई बिंदु नी बात करूँ आ ए बिंदु लई लो या बी बिंदु लई लो तो ए ने बी वच्चे विद्युत स्थितिमान तफावत वी ए माइनस वी बी बराबर हाल आप लख्यू ई डॉट डी आर ए बी हो तो अँ ए बी लखी दी है इज इक्वल टू शू थाय जीरो थाय। बुक में तमने डायरेक्ट आऊँ आप समझिए केम आऊँ आयु केम स्मॉल आर ना आयु कारण प्रश्न था कि साहब वीजभार क्यू केन्द्र में अंतर तो स्मॉल आर है तो तमे कैपिटल आर केम लख्यू वी ए माइनस वी बी जीरो थाय केम जीरो थाय भाई ई नी किंमत जीरो है ई जीरो तो वी ए माइनस वी बी जीरो। चलो वी ए माइनस वी बी जीरो तो देर फोर वी ए ने वी बी के सरखा थया एनो मतलब थयो के विद्युत स्थितिमान अंदर ना दरेक बिंदु पासे सरखो है डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो थाय। समझ भरी वी ए माइनस वी बी एले शू डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो थाय। गोरानी सपाटीनी अंदर कवचनी अंदर रहेला कोईपण बिंदु पासे विद्युत स्थितिमानो तफावत जीरो थाय एले के अंदर ना दरेक बिंदु पासेनो विद्युत स्थितिमान समान होय अने ए विद्युत स्थितिमान केटलू होय सपाटी पर होय ना एज। समझ पड़ी बिंदु पी पासे विद्युत स्थितिमान के क्यू अपन कैपिटल आर बिंदु क्यू पासे विद्युत स्थितिमान के क्यू अपन कैपिटल बिंदु आर पासे बिंदु पी गम्मे ते अंदर ना कोईपन बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान मूल्य कवचनी सपाटी पर होय एटलू थाय। ओके चलो अभी लई लीए पी क्यू पी क्यू ने आर आर बिंदु पासे स्मॉल आर बिंदु पासे ले के आर अंतर बानू बिंदु ले लो पी क्यू अंदर हतु अने ली लिया आपणे आर बिंदु एनु अंतर छे स्मॉल आर तो भाई बारना भागे स्मॉल आर नी किंमत शू थाय ग्रेटर देन आर तो वीजभार थी अंतर केटलू छे स्मॉल आर तो विद्युत स्थितिमान सूत्र थाय के क्यू अपॉन स्मॉल आर आ बने केस सरखा है अँ जे अंतर हो केन्द्र थी अंतर लखवा तो कोईपण कवचनी अंदर ना भागे विद्युत स्थितिमान अने सपाटी पर बने सरखू हो अंदर जेटलू सपाटी पर होना एज परंतु बारना भागे जे अंतर हो क्यू अपॉन स्मॉल आर। ओके दाखला में आग थीअरी में आयोग थे तरह अपने एनी चर्चा कर एना शरत आई रही कि कवचनी अंदर भाग में ईनी किंमत जीरो हो चेप्टर नंबर एक में आई थी। चलो हमें जो आप समस्थितिमान पृष्ठ नव प्रश्न समस्थितिमान पृष्ठ। चलो नाम पर ख्याल आई जाए सम एटले समान स्थितिमान एटले क्यों स्थितिमान विद्युत स्थितिमान अने पृष्ठ एटले समतल पृष्ठ जे पृष्ठ परना बधा बिंदुओं पासे विद्युत स्थितिमान नुं मूल्य समान होय तेवा पृष्ठ ने समस्थितिमान पृष्ठ कहे छे। व्याख्या नाम पर ज व्याख्या आई गई जे पृष्ठना दरेक बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान मूल्य समान होय तेवा बिंदु तेवा पृष्ठ ने समस्थितिमान पृष्ठ कहे छे। चलो समस्थितिमान पृष्ठ दौरवा माटे आपणे प्रयत्न करिए विचारीए मारी पासे कोई क्यू वीजभार है सिंगल क्यू वीजभार है ए सींगल क्यू वीजभारना कारण मारे समस्थितिमान पृष्ठ दौरवुं छे तो सिंगल क्यू वीजभारना कारण विद्युत स्थितिमान सूत्र शू थाय के क्यू अपॉन आर एटले अंतर भाई के अचर क्यू की किंमत फिक्स ले लीधी क्यू अचर तो आ सूत्र में हूँ आर की किंमत अचर करी नाखू तो के अचर क्यू अचर ने आर पन अचर तो वी की किंमत पन केवी थी गई अचर एनो मतलब शू जुओ कोई सिंगल बिंदुवत क्यू वीजभार ने केन्द्र तरीके लई स्मॉल आर त्रिज्यानु कोई वर्तुर दौड़ी दिए चलो आ स्मॉल आर त्रिज्यानु वर्तुर दौड़ दिए तो ए वर्तुराकार भाग अथवा ए वर्तुरना पृष्ठ पर रहेलू बिंदु ए लखूँ चलो बिंदु बी तमने ख्याल आए एटला माटे सी अने डी। चलो बिंदु ए पासे विद्युत स्थितिमान सूत्र शू थाय वीजभार क्यू अंतर आर तो के क्यू अपॉन आर बी पासे शू थाय एज के क्यू अपॉन आर सी पासे शू थाय के कारण के बधानु अंतर केवु छे सरखु छे तो आज ए वर्तुराकार पृष्ठ मळ्युं एने समस्थितिमान पृष्ठ कहेवाय।
समस्थितिमान पृष्ठ ने कोई आकार साथ लेवा देवा नहीं, बराबर याद रखीशु। आ पृष्ठ हो पृष्ठ समस्थितिमान पृष्ठ ये आ रीते आम नहीं हो आ रीते दरेक बिंदु पास विद्युत स्थितिमान मूल्य केव सामन हो तो एने समस्थितिमान पृष्ठ कहवा। ए बिंदु पास बी बिंदु पास वोल्टेज वी ए और बी पास वोल्टेज वी बी सरखा हो। ख्याल आयो मित्रों, कोईपण बिंदुवत वीजभार क्यू ने केन्द्र तरीके लई चौक्कस त्रिज्यानु कोई वर्तुर बनावामां आवे तो आ वर्तुराकार पृष्ठ परना दरेक बिंदु पासे विद्युत स्थितिमाननुं मूल्य समान होय छे तो आवा पृष्ठने समस्थितिमान पृष्ठ कहे छे। ओके, हवे मारो प्रश्न एवो छे कि कोई वीजभार क्यू ने केन्द्र तरीके लई तमे केटला समस्थितिमान पृष्ठ दोरी शको? असंख्य। चलो एक कोई विद्यार्थी के एक सेंटीमीटर की त्रिज्या लीधी, ख्याल आवे जुओ एक सेंटीमीटर की त्रिज्या लीधी तो ए आ बधा बिंदुओं जे लीधा ए बधा बिंदुओं पास विद्युत स्थितिमान मूल्य केव हो? आ बिंदु ए लई लीए, बिंदु बी, बिंदु सी। ओके, तो आज वर्तुर बनू है समस्थितिमान पृष्ठ कहवाय, कारण के बधा अंतर केव सरखू है, क्यू वीजभार सरखो है तो विद्युत स्थितिमान के क्यों अपनार सरखू थी। कोई विद्यार्थी एवं ना कही सके कि साहेबे आ बीजू वर्तुर एज केन्द्र तो ये आर की जगह आर वन थी गया तो आ बिंदु ए वन अ बिंदु लई लीए, बी वन अ लई लीए, सी वन ए वन बी वन सी वन ए बधा पास विद्युत स्थितिमान केव हो सरखू हो। ए वन सूत्र शू थाय के क्यू अपन आर वन, बी वन के क्यू अपन आर वन, सी वन के क्यू अपन आर वन तो एवज रीते अँ पर आमना लई शक तो के दौड़ी सकता है। ख्याल आयो ने? बिंदुवत वीजभार क्यू ने केन्द्र तरीके लई घना बदा समस्थितिमान पृष्ठ दौड़ी शक। हाँ, फरी बोलूँ बराबर समझी लीशू, गुजकेट मेट नीट मे आ टॉपिक महत्व है, एम सू केस पूछाया संदर्भ में। भाई वीजभार ने चलो पहलू समस्थितिमान पृष्ठ बनू, आ बीजू बनू, आ तीजू बनू तो समस्थितिमान पृष्ठ में एक बाबत काळजी राखवानी छे, मैं दौरती वक्त काळजी राखी है। चलो ए अहीं वोल्टेज 6 वोल्ट लई लू, अहीं 80 वोल्ट लई लू, अहीं 60 वोल्ट लई लू, कारण के विद्युत स्थितिमान सूत्र थाय के क्यू अपॉन आर। जेम जेम अंतर वधे आ स्मोल आर करता आर वन की किंमत वधु, आर वन करता आर टू की किंमत वधु तो आर आर वन आर टू अंतर वधे तो विद्युत स्थितिमान घटे। तो पहलू पृष्ठ है 100 वोल्ट, बीजू पृष्ठ है 80 वोल्ट, तीजू 60। 100 में 80 20 तफावत, 80 में 60 20 तफावत। पर मित्रों तफावत वोल्टेज सरखो हे पर आ बने वच्चे अंतर अँ जे हे एना करता अंतर वधु हे, बराबर समझीशु? आज अंतर हे एना करता अंतर वधु हे, ए ज्यारे पण समस्थितिमान पृष्ठ दौरवानुं थाय तो समस्थितिमान पृष्ठ में जेम जेम पृष्ठ वधता जशे तेम तेम ए पृष्ठ वच्चेनुं अंतर वधतुं जाय छे। ओके, बीजी बाबत, पहला समस्थितिमान पृष्ठ परना दरेक बिंदुओ पास विद्युत स्थितिमान 100 100 100 वोल्ट, बीजा पास 80 80 वोल्ट। समस्थितिमान एक समस्थितिमान पृष्ठ परना दरेक बिंदु पास विद्युत स्थितिमान मूल्य समान, परंतु एना करता जो बीजू समस्थितिमान पृष्ठ हो तो पृष्ठ बदलाई जाए तो मूल्य बदलाई जाए, जेम जेम दूर जता जाइ तेम तेम वोल्टेज बदला। त्रीजो समस्थितिमान पृष्ठ एना पृष्ठ पर वोल्टेज 60 तो त्रीजाना दरेक बिंदु पास वोल्टेज मूल्य 60 हे। ख्याल आए ने? तो बिंदुवत वीजभार क्यू ने केन्द्र तरीके लई कोई चौक्कस त्रिज्यानु जो वर्तुर दौड़िए तो ये वर्तुर ने समस्थितिमान पृष्ठ कहेवामां आवे छे, कारण के जेना दरेक बिंदु पास विद्युत स्थितिमान समान होय छे। चलो अहीं एक लाक्षणिकता अपन आपेली है, एनी लाक्षणिकता आपणे क्रमशः 3 4 छे जोता जाइए। लाक्षणिकता नंबर 1, चलो बीजभार क्यू लई लीए आ समस्थितिमान पृष्ठ। ओके, एक्जेक्ट समझी लेजो के त्रिज्या सरखी है। ओके, मिडल में वीजभार लई लीए आपणे प्लस क्यू वीजभार, तो आ समस्थितिमान पृष्ठ आ वीजभार प्लस क्यू है उधारी लीए तो प्लस क्यू में मित्रों विद्युत क्षेत्र बहार निकल, विद्युत क्षेत्र ई, आमांथी विद्युत क्षेत्र बहार निकल, विद्युत क्षेत्र ई। चलो दरेक जगह थी विद्युत क्षेत्र बहार निकल, प्लस हे तो बहार निकल, माइनस हे तो विद्युत क्षेत्र अंदर दाखल थे, प्रथम चैप्टर में आप सीखी गया। ओके, हवे जो
कोईपण वीजभार पसार थत विद्युत क्षेत्र अथवा विद्युत क्षेत्र रेखा ये हमेशा पृष्ठ ने केव हो लंब हो समस्थितिमान पृष्ठ ने हमेशा विद्युत क्षेत्र लंब हो। चलो ये आ विद्युत क्षेत्र ई अने आ पृष्ठ एंगल के बनो नेव विद्युत क्षेत्र ई अने आ पृष्ठ वच्चे कोईपण जगह विद्युत क्षेत्र हमेशा समस्थितिमान पृष्ठ ने लंब हो। ओके ख्याल आए क्लियर एनु कारण जो केम लंब हो समझी लीए। जो आ थीअरी है बुकनी अंदर तो तमे मैं आ कीधु एटलू लखवानुं समस्थितिमान पृष्ठ केन्द्र तरीके क्यू विजबाने लई वर्तुळ दोरे तो एने समस्थितिमान पृष्ठ कहेवाय। ई अने समस्थितिमान पृष्ठ ए हमेशा एकबीजाने लंब होय छे। केम लंब होय छे समझिए। ए आ समस्थितिमान पृष्ठ विजभार क्यू अहीं बिंदु लई लीए ए अहीं बिंदु लई लीए बी। ए बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान वी ए बी बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान वी बी। भाई एकज पृष्ठ पर बे बिंदुओं हो तो बने बिंदुओं विद्युत स्थितिमान केव सरखू हो तो जैसे समस्थितिमान पृष्ठ कहवाय। तो वी ए ने वी बी सरखाए। हवे अहीं थी कोई क्यूज नॉट अथवा क्यू जीरो वीजभार ने अहीं थी अहीं लई जाऊं। ध्यान आपजो क्यू जीरो वीजभार ने ए थी बी पासे लई जाऊं तो करवु पड़तु कार्य डब्ल्यू बराबर क्यू डेल्टा वी इज इक्वल टू क्यू डेल्टा वी तो जीरो। भाई ए थी बी गया तो अंतिम वेगमान वी बी प्रारंभिक वेगमान वी ए पण वी बी अने वी ए केवा छे जीरो छे तो कार्य केवु थयु जीरो थयु। कार्य जीरो थाय बराबर याद रखिए कार्य जीरो थाय तो डब्ल्यू बराबर एफ डॉट डी आर। चलो एफ डॉट डी आर तो एफ नी जगह क्यू ई लखाय क्यू ई डॉट डी आर आनी किंमत जीरो। चलो एकम वीजभार लो तो क्यू तो आमे जता रहे आने जीरो तो ई अने डी आर नो डॉट गुणाकार ई डी आर कॉस थीटा जीरो तो कॉस थीटा बराबर जीरो। कॉस केटला बराबर जीरो 90 बराबर। ओके बुक में नहीं अभी पर आपने ख्याल आवो जोईए कि विद्युत क्षेत्र समस्थितिमान पृष्ठ ने हमेशा लंब हो। तो आप क्रमश लाक्षणिकता समझी लीए यानी समस्थितिमान पृष्ठनी लाक्षणिकता। नंबर एक समस्थितिमान पृष्ठ परना कोईपण बे बिंदु वच्चे विद्युत स्थितिमान तफावत आ ए आ बी आ सी तो ए बी सी बधा बिंदुओं विद्युत स्थितिमान केवु होय सरखू होय तो समस्थितिमान पृष्ठ परना कोईपण बे बिंदुओ वच्चेनो विद्युत स्थितिमानो तफावत पोटेंशियल डिफरंट हमेशा जीरो होय। डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो वी ए माइनस वी बी वी एन वी बी सरखा है जीरो। ओके देरफॉर नंबर बे समस्थितिमान पृष्ठना कोई एक बिंदु कोई एक बिंदु पासे थी कि कोई पन वीजभार ने बीजा बिंदुए पन बीजू बिंदु गयू समस्थितिमान पृष्ठ पर समस्थितिमान पृष्ठना कोई एक बिंदु पासे थी वीजभार ने बीजा बिंदुए लई जवा माटे करवु पड़तु कार्य W इज इक्वल टू जीरो। हाल समझायू W बराबर क्यू डेल्टा वी जीरो तो कार्य की किंमत जीरो। नंबर त्रण विद्युत क्षेत्र ए पृष्ठ ने हमेशा लंब हो। विद्युत क्षेत्र पृष्ठ ने हमेशा लंब हो न हो समझी लो कि नहीं लंब भाई न हो तो कार्य की किंमत ई डॉट डी आर डॉट गुणाकार है समझी लो कि कोई ठीटा है लंब नहीं ठीटा की किंमत 45 है तो ई डॉट डी आर तो शू लखाय ई डी आर कॉस 45। भाई ई डी आर कॉस 45 की कोई किंमत मल से जीरो नहीं हो नॉट इक्वल टू जीरो से पर खरेखर कार्य के लिए जीरो है तो कार्य जीरो त्यारे थाय जयरे विद्युत क्षेत्र पृष्ठ ने लंब हो। ख्याल आए ने
લક્ષણિકતા નંબર એક, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પરના કોઈપણ બિંદુ પાસે વિદ્યુત સ્થિતિમાનનો તફાવત હંમેશા ઝીરો. કોઈ એક વીજભારને એક બિંદુ પરથી બીજા બિંદુએ લઈ જવા માટે વિદ્યુત ભારે કરેલું કાર્ય હંમેશા ઝીરો. અને વિદ્યુત ક્ષેત્રે સરફેસને લંબ દિશામાં હોય એવી નવી લાક્ષણિકતા બુકમાં નથી, પણ આપણે લખી શકીએ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ક્યારે પણ એકબીજાને છેદતા નથી. ઓકે, ચેપ્ટર નંબર એકમાં આપણે શીખી ગયા વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ ક્યારે પણ એકબીજાને છેદતી નથી, એ જ પ્રમાણે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ પણ એકબીજાને છેદતા નથી. જો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એકબીજાને છેદે એવું ધારી લઈએ, ચલો સાબિત કરીએ કેમ છેદતા નથી. પહેલામાં આપણે સમજાવી દીધું લઈએ કે સમસ્થિતિમાન, અરે પહેલામાં વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ એકબીજાને છેદતી નથી, છેદે તો છેદન બિંદુ પાસે બે સ્પર્શક, બે સ્પર્શક તો વિદ્યુત ક્ષેત્રની બે દિશા બને, જે કદી શક્ય નથી. સમજીએ, એવું મારી પાસે એક સમતલ આવું છે, આ ઓકે આ રીતે આ એક સમતલ છે, તો આ સમતલને લંબ વિદ્યુત ક્ષેત્ર એ આ દિશામાં ઉપરની તરફ, બીજું એક સમતલ આ લઈ લે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એક, સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ બે, ભાઈ બંને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ એકબીજાને છેદે છે, એક આવું છે અને એક આ પ્રમાણે ઊભું છે, ખ્યાલ આવ્યો ને, આ આમ છે અને આ આમ ઊભું છે, તો આ બંને કોઈ એક બિંદુ પાસે છેદે છે. તો પહેલાં નીચેનું આ રીતનું લઈ લઉં, ચલો આ સમતલ તો એનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠને લંબ, તો ઉપરની તરફ ઈ. આ સમતલ લઉં તો આ સમતલને વિદ્યુત ક્ષેત્ર એને લંબ, તો આ દિશામાં ઈ. ભાઈ એક જ બિંદુ પાસે કોઈપણ સદિશને બે દિશા હોઈ શકે નહીં, એટલા માટે બે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ક્યારેય પણ એકબીજાને છેદતા નથી. ખ્યાલ આવે ને કે આટલી લાક્ષણિકતા હોય બુકની અંદર તમને આપેલું છે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર ઈની દિશા પ્રમાણે આપી દીધેલી છે, તેને સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ કેવા હોય, જો આની એક્સ અક્ષ કહી દઉં તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક્સ અક્ષ ઉપર છે, તો એને લંબ પૃષ્ઠ હોય, તો લંબ પૃષ્ઠ કઈ તરફ થશે, વાય અને ઝેડ એ આ પ્રમાણે. વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક્સ અક્ષ ઉપર હોય તો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ લઈ શકાય આ પ્રમાણે. ઓકે, ચલો એ આ પ્રમાણે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ સમજવા માટે આમ આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ અને વિદ્યુત ક્ષેત્રે અને લંબ. અચ્છા, આ પ્રમાણે પણ દોરી શકાય ને, આ સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ અને લંબ. પ્રશ્ન એ થાય કે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ આમ હોય, ચલો આ બુક છે તો બુકની આ દરેક બિંદુઓ પાસે સમતલ છે, પણ તમને દેખાય છું માત્ર એક લાઇનિંગ, તો ટૂંકમાં આ જે છે એ સમતલ હશે, એ સમતલને લંબ વિદ્યુત ક્ષેત્ર હોય. ડાયપોલ મોમેન્ટ લઈએ તો ડાયપોલ મોમેન્ટના કારણે વિદ્યુત સ્થિતિમાન, ક્યાં ગયું ડસ્ટર, ડાયપોલ મોમેન્ટ લઈ લઈએ પ્લસ ક્યુ માઇનસ ક્યુ, ચલો માઇનસ ક્યુ અને પ્લસ ક્યુ વીજભાર, તો એના સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ મેં કીધું એ જરા ધ્યાન રાખવાનું, ઓકે. જેમ જેમ અહીંયા દૂર જતાં જેમ અંત બંને વચ્ચેની ગેપ વધુ હોવી જોઈએ. અચ્છા, કેવી રીતે દોરાય એની એક પર્ટિક્યુલર વિદ્યુત ક્ષેત્ર રેખાઓ તમારે દોરતા આવડતી હોવી જોઈએ, કે આ માઇનસ છે, માઇનસ ક્યુ છે અને આ પ્લસ ક્યુ છે, તો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ ડાયરેક્ટ ના દોરે, બરાબર છે. બુકમાં છે ને આપણે આ રીતે ડાયરેક્ટ દોરવાનું છે, બાકી માઇનસથી પ્લસ તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર, ચલો અહીંયા હું લઈ લઉં પ્લસ ક્યુ, અહીંયા લઈ લઉં માઇનસ ક્યુ, તો વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્લસમાંથી માઇનસમાં દાખલ થાય આ રીતે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર પ્લસમાંથી માઇનસમાં દાખલ થાય આમ જશે, તો અહીંયા એ પ્રમાણે આમ આવશે, આમ જઈને આમ આવશે, ખ્યાલ આવે ને, એ આ પ્રમાણે દાખલ થશે અને અહીંયાથી બહાર નીકળશે. હવે તમે કોઈપણ બિંદુ પાસે સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ દોરવું હોય તો એ ક્ષેત્રરેખાને કેવું હોય, લંબ હોય. હાલ સમજાવ્યું આપણે કે ક્ષેત્રરેખાને લંબ હોય, તો વિચારીએ અહીંયા એ આ મિડલ ભાગ અહીંયા વિચારો સમસ્થિતિમાન પૃષ્ઠ. હવે આ જુઓ આ વરાંગ છે,
तो एने लंब भाग आपने केव मिलसे आम मिलसे ख्याल जो ए आ बने वच्चे एंगल नेव थवो जोईए तो ये आ प्रमाणनु समस्थितिमान पृष्ठ एना करता नानु समस्थितिमान पृष्ठ एना करता नानु समस्थितिमान पृष्ठ तो ये आ साइडनु समस्थितिमान पृष्ठ आम गुर मिलसे आ साइडना समस्थितिमान पृष्ठ आपने आ प्रमाणे मिलसे आम ओके तो डायपोल मोमेंटनु समस्थितिमान पृष्ठ आ रीते दोरी शकाय जे पृष्ठ परना दरेक बिंदु पासे विद्युत स्थितिमानना मूल्यों समान होय तेने समस्थितिमान पृष्ठ कहे छे। हवे मित्रों विद्युत क्षेत्र ने विद्युत स्थितिमान वच्चेनो तफावत एक तफावत क्या विद्युत क्षेत्र अने विद्युत स्थितिमान वच्चेनो संबंध विद्युत क्षेत्र ने विद्युत स्थितिमान वच्चेनो संबंध चलो साबित करिए। बे समस्थितिमान पृष्ठ ले लिए एक समस्थितिमान पृष्ठ अपन आप ए बीजु समस्थितिमान पृष्ठ ले लिए अपने बी ओके आ बन्ने वच्चे नो तफावत अंतर डेल्टा एल आप विद्युत क्षेत्र अहीं एक्जेक्ट सेम होवू जोईए विद्युत क्षेत्र ई बाहर निकले ए आ बीजू पृष्ठ ओके आ समस्थितिमान पृष्ठ बी अने आ समस्थितिमान पृष्ठ ए ए अने बी वच्चेनू आपने डिस्टन्स आपेलू छे सूक्ष्म डेल्टा एल ए समस्थितिमान पृष्ठ परना दरेक बिंदु पासे वोल्टेज वी ए अने बी समस्थितिमान पृष्ठ परना दरेक बिंदु पासे वोल्टेज वी प्लस डेल्टा वी है टूंक में बने पृष्ठ वच्चे विद्युत स्थितिमान तफात के लिए डेल्टा वी। हाँ अँ आप एक वस्तु याद रखवानी है एमसीक्यूएस माटे खास के विद्युत क्षेत्र जे दिशा में होय ए दिशा में विद्युत स्थितिमान हमेशा घटे आ मुद्दों खास लखी देजो विद्युत क्षेत्र ने दिशा में जता विद्युत स्थितिमान घटाड़ो थाय हमेशा घटे तो प्रश्न एवं थाय कि साहब विद्युत क्षेत्र ऊपर जाए तो वोल्टेज वी तो ये घटाड़ो थवो जोईए अहीं बुक में अपने वी प्लस डेल्टा वी आप डेल्टा वी वधारो घटाड़ो ए संदर्भे नहीं एटला माटे जवाब में पण तमारे अहीं माइनस आवशे ओके एनी चिंता करवानी नहीं पण एमसीक्यूएस माटे खास विद्युत क्षेत्र की दिशा में जता विद्युत स्थितिमान हमेशा घटे ओके हवे आपणे विद्युत स्थितिमान शोधवा माटे ए समस्थितिमान पृष्ठ बी समस्थितिमान पृष्ठ वोल्टेज वी वन वोल्टेज वी टू बने वच्चे अंतर केलू है डेल्टा एल बिंदु बी पास थी कोई क्यू वीजभार ने अथवा क्यू जीरो क्यू नॉट वीजभार ने बुक में तमने एकम वीजभार आप हूँ अँ एकम वीजभार लखू छू हाल क्यू जीरो सीम्बॉल लगे छे क्यू जीरो की किमत एक लई लैसु ओके एकम वीजभार ने बिंदु बी थी बिंदु ए सुधी लावा माटे करवु पड़तु कार्य विद्युत क्षेत्र आम दिशा में है अने कार्य स्थानांतर क्या करवानुं छे अने डेल्टा एल जेटलू स्थानांतर करवानुं विरुद्ध दिशा में तो करवू पड़तू कार्य क्या थी क्या बी थी ए सुधी कोने लावा माटे क्यू जीरो वीजभार ने बुक में आप्या प्रमाणे क्यू जीरो की किंमत एकम वीजभार ने बी थी ए सुधी लावा माटे करवू पड़तू कार्य। चलो जरा पेन ने पण खोराक आपी दऊं राइटिंग आसू थई गयू छे चलो पेन ने तो खोराक लई लीधो मारे बाकी छे अहींया ग्रीन पेन थी बराबर देखातु नथी वी प्लस डेल्टा वी आना वोल्टेज छे वी तो क्यू नॉट अथवा एकम वीजभार ने बी थी ए विरुद्ध दिशा में लावानुं छे तेना माटे करवू पड़तुं कार्य डब्ल्यू बराबर क्यू डेल्टा वी लखाय सूत्र शीखी गया। चलो Q नॉट लखूँ Q0 बराबर डेल्टा V Q0 की किंमत के लिए ले लीए एक तो डेल्टा V चलो डेल्टा V ले क्या थी क्या आवानू है बी थी ए बन्ने वच्चे विद्युत स्थितिमान तफात के लिए डेल्टा V समीकरण नंबर एक ओके डेल्टा V विद्युत स्थितिमान तफात विद्युत स्थितिमान तफात के लिए V प्लस डेल्टा V अने V तो तफात थयो डेल्टा V अच्छा माइनस आवशे ने एटला माटे मैं कीधुं के
प्रारंभिक आ अंतिम, तो अंतिम में प्रारंभिक जैसे ले माइनस आशे। अँ समीकरण ऑलरेडी आप मूल्य ध्यान में राखीशू। चलो हवे एवीज रीते विद्युत क्षेत्र ने विरुद्ध दिशा में आ वीजभार ने अपने के स्थानांतर आप डेल्टा एल, डेल्टा एल सूक्ष्म है माटे डेल्टा सीम्बॉल आप के स्थानांतर आप डेल्टा एल क्यू जीरो इज इक्वल टू एकम एकम वीजभार ने विद्युत क्षेत्र की विरुद्ध में केटलू स्थानांतर डेल्टा एल जेटलू स्थानांतर माटे क्यू बराबर वन विद्युत क्षेत्र ने विरुद्ध में ने क्यू बराबर वन वीजभार ने विद्युत क्षेत्र ने विरुद्ध में डेल्टा एल जेटलू स्थानांतर आपवा माटे करवू पड़तु कार्य। चलो डबल्यू इज इक्वल सूक्ष्म कार्य से तो डेल्टा लखी जाए डेल्टा डबल्यू लखाय डेल्टा डबल्यू बराबर एफ डॉट डेल्टा आर पहला लखू डेल्टा आर इज इक्वल टू एफ डॉट डेल्टा एल कारण स्थानांतर की किंमत डेल्टा एल है। चलो डॉट गुणाकार है तो डॉट गुणाकार तो एफ डेल्टा एल कॉस 180 बुक में डायरेक्ट आपेलू बराबर समझीशू आ रीते तो ज याद रहें भाई विद्युत क्षेत्र ने स्थानांतर डेल्टा एल नीचे की तरफ लावानु वीजभार ने विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ बंने वच्चे की दिशा के विरुद्ध है परस्पर तो थीटा की किंमत 180 कॉस 180 की किंमत हे माइनस तो डेल्टा डबल्यू बराबर एफ डेल्टा एल कॉस 180 की किंमत माइनस 1 ओके। बीजू पण लखी दिए भाई एफ बराबर कोना लीधे विद्युत क्षेत्र ने लीधे लगत बर तो एफ बराबर क्यू इंटू ई क्यू की जगह को लाया अपने क्यू जीरो ने तो एफ की जगह लखी दी है क्यू जीरो ई डेल्टा एल अगर आई गयू माइनस फरी एफ की किमत क्यू ई एफन सूत्र है आप विद्युत क्षेत्र की थीअरी एफ पॉन क्यू पहलू चेप्टर तो एफ बराबर शू थाय क्यू ई क्यू ने नहीं लाया आप क्यू जीरो सीम्बॉल आप क्यू जीरो तो एफ बराबर क्यू जीरो ई डेल्टा एल माइनस आगर लखी दीदो अने क्यू जीरो की किमत के लिए तो डेल्टा डबल्यू बराबर क्यू जीरो की किमत वन तो ई डेल्टा एल समीकरण नंबर बे। समीकरण एक करव पड़त कार्य समीकरण बे करव पड़त कार्य बने शू कर दिए सरखाता तो एक अने बे पर थी चलो शू लखाशे डेल्टा वी बराबर माइनस ई डेल्टा एल तो ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल जे विद्युत क्षेत्र ने विद्युत स्थितिमान वच्चे संबंध दर्शावे छे। ख्याल आव्यो मित्रों माइनस ए विद्युत क्षेत्र की दिशा में विद्युत स्थितिमान घटाड़ो दर्शावे आने आम पण कही सकीए आपणे विद्युत क्षेत्र की दिशा में डेल्टा एल जेटली लंबाई नु स्थानांतर करवामां आवे अंतर कापवामां आवे तो ते बिंदु पासे विद्युत स्थितिमान में डेल्टा वी जेटलो घटाड़ो थाय। विद्युत क्षेत्र की दिशा में डेल्टा एल जेटलू स्थानांतर करवामां आवे तो ते बिंदुए डेल्टा वी जेटलू विद्युत स्थितिमान घटे। चलाव खास याद रखीशू ई बराबर डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल। हवे एना पर मित्रों ई बराबर माइनस डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल आने त्रण रीते लखी सकाय विकलन फॉर्म में ये पन आंशिक विकलन जो तो आम लखाए डेल्टा वी अपॉन डेल्टा एल पन लखाए अंशते विकलन शू दर्शाए त्रण घटकों में लखू ई एक्स बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स ई वाई बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल वाई अने ई जेड बराबर माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड आ डेल्टा है ने आ रीते लख्य विकलन फॉर्म में डी वी अपॉन डी एक्स एट पूर्ण विकलन मतलब विद्युत स्थितिमान ए संपूर्ण एक्स वाई जेड जेटला चलो है बधा की सापेक्षे विकलन करने जयरे डेल वी अपॉन डेल एक्स मतलब मत एक्स की सापेक्षे ज विकलन करने ख्याल आए ने तो अँ आप ई एक्स घटक शोधव ई वाई ने ई जेड विद्युत क्षेत्र त्रण घटकों मिली जाए तो विद्युत क्षेत्र ई बराबर ई एक्स ई वाई और ई जेड शोधी शकाय। चलो नोट करी लो
અને સૂત્રને જરા એક બે મિનિટ માટે સમજી લઈએ. દાખલો પણ એક બે લઈ લઈએ આપણે. ચલો શું કહેવા માગે, વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને વિદ્યુત સ્થિતિમાન વચ્ચેનો સંબંધ E બરાબર માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ, E બરાબર માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ. એક્સ હોય તો એક્સ, વાય હોય તો વાય, ઝેડ હોય તો ઝેડ. અને V બરાબર ઇન્ટ્રીગેશન E ડોટ ડીએલ. જરા સમજી લો, વિકલન અને સંકલન આપણે બંને 11મા ધોરણમાં શીખી ગયા. અને વિકલનને બરાબર આ થિયરી જે તો આપણે સમજાવી પણ ખરી, સૂત્ર એકદમ સરળતાથી યાદ રહે. વિકલનમાં આપણે એવું લખતા હતા કે એક્સનું વિકલન કરું તો વેગ મળે વી બરાબર ડીએક્સ અપોન ડીટી, અને વેગનું વિકલન કરું તો પ્રવેગ મળે એ બરાબર ડીવી અપોન ડીટી. તો સંકલનમાં શું થતું હતું, પ્રવેગ એ આપેલું હોય અને તમારે વેગ શોધવો હોય તો શું કરવું પડતું હતું, સંકલન. વેગ આપેલો હોય અને અંતર શોધવું હોય તો સંકલન. મતલબ વિકલન અને સંકલન એકબીજાની વિરોધી પ્રક્રિયા છે, સમજો. અને આ રીતે પણ મારી પાસે વિદ્યુત પ્રવાહનું સૂત્ર છે I બરાબર ડીક્યુ અપોન ડીટી. ઓકે, વીજભારનું વિકલન કરું તો વિદ્યુત પ્રવાહ મળે, તો વીજભાર શોધવો હોય તો વિદ્યુત પ્રવાહનું શું કરવું પડે, સંકલન. પાવર P બરાબર ડી ડબલ્યુ અપોન ડીટી, કાર્યનું સમયની સાપેક્ષે વિકલન કરું તો પાવર મળે, તો પાવરનું સમયની સાપેક્ષે સંકલન કરું તો કાર્ય મળે. એવી જ રીતે અહીં નથી દેખાતું, જુઓ સંબંધ. વિદ્યુત ક્ષેત્રનું વિકલન કરું તો વી મળે, તો વીનું સોરી અહીં વિકલન બોલે ને, વિદ્યુત ક્ષેત્રનું સંકલન કરું તો વી મળે પહેલી થિયરી, તો વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું વિકલન કરું તો ઈ મળે. ઈનું સંકલન કરવાથી વી મળે, વીનું વિકલન કરવાથી ઈ મળશે. હા, પણ યાદ રાખીશું અહીંયા અંશત વિકલન છે. અંશત વિકલનનું મતલબ શું થયું, માત્ર એક્સ હોય તો એક્સની સાપેક્ષે જ વિકલન કરવાનું, વાય હોય તો વાયની સાપેક્ષે. જેમ કે આપણે એક ઉદાહરણ લઈએ, ખ્યાલ આવે તમને. એક્ઝામ્પલ, વિદ્યુત સ્થિતિમાન વી બરાબર ટુ એક્સ સ્ક્વેર વાય પ્લસ થ્રી વાય ઝેડ માઇનસ ટુ, અહીંયા વાય ઝેડ તો ઝેડ એક્સ સ્ક્વેર. ઓકે, વોલ્ટ હોય તો બિંદુ વન 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 પાસે, વન 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 નહીં લખીએ, વન ટુ વન પાસે વિદ્યુત ક્ષેત્રના ઘટકો ઈ એક્સ ઈ વાય અને ઈ ઝેડ શોધો. વચ્ચે પ્રકાશ નથી આવતો ને, રકમ આ જોઈ લઈએ. હા હા, ટુ ઝેડ એક્સ સ્ક્વેર, આ રકમ છે ને એ ટુ ઝેડ એક્સ સ્ક્વેર છે. એ તો નીચે લખીશું એટલે ખ્યાલ આવી જાય. ચલો, વિદ્યુત સ્થિતિમાનનું સૂત્ર V બરાબર ટુ એક્સ સ્ક્વેર વાય પ્લસ થ્રી વાય ઝેડ માઇનસ ટુ ઝેડ એક્સ સ્ક્વેર. વિદ્યુત ક્ષેત્રનો એક્સ ઘટક શોધવો છે તો ઈ એક્સ બરાબર માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ એક્સ, અંશત વિકલન. માત્ર એક્સને ચલ ધારવાનો, બાકીનું અચળ. જ્યારે હું એમ કહું છું કે ઈ એક્સ, તો એનું વિકલન હું એક્સની સાપેક્ષે કરું તો બાકીના વાય અને ઝેડ કેવા લેવાના, અચલ લેવાના છે. તો જો વિકલન કેવું થાય, માઇનસ, આનું વિકલન એક્સની સાપેક્ષે માત્ર, એક્સ સ્ક્વેર છે તો વિકલન ભેગાતા કરે છે તો ફોર એક્સ વાય, વિકલન તો આવડે છે ને બધાને, પ્લસ આનું વિકલન બોલો ચલો ઝીરો, ભાઈ એક્સ જ નથી તો અચળપદ, અચળપદનું વિકલન ઝીરો, માઇનસ એક્સ સ્ક્વેર આવી ગયા તો એક્સ સ્ક્વેર તો બે આગળ આવી જાય, બે દો ચાર ઝેડ એક્સ ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ, ચલો એક્સ વાય ઝેડની કિંમત આપી લઈએ વન ટુ વન, તો એક્સની કિંમત વન, વાયની કિંમત ટુ, તો ફોર વન ટુ પ્લસ ઝીરો માઇનસ ફોર, ઝેડની કિંમત વન, એક્સની કિંમત પણ વન, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ ટુ છે ને, અહીંયા ચાર દુ આઠ અને અહીંયા માઇનસ ચાર, એટલે જવાબ આવશે માઇનસ ચાર. આઠ આઠમાંથી ચાર જશે એટલે ચાર આગળ છે માઇનસ, તો માઇનસ ચાર. ઈ એક્સ આઈ કેરેટ પછી લખીએ આપણે છેલ્લે. ઈ વાયનું મૂલ્ય શું થાય, તો ઈ વાય બરાબર માઇનસ ડેલ વી અપોન ડેલ વાય ઇઝ ઇક્વલ ટુ માઇનસ, ચલો વિકલન વાયની સાપેક્ષે, વાય
तो वायनू माइनस सापेक्ष विकलन एक तो शू वध्यु भाई टू एक्स स्क्वेर प्लस वायनू माइनस सापेक्ष एक तो शू वध्यु थ्री जेड विकलन माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस चलो टू एक्स स्क्वेर एक्स की किंमत एक मूकी दिए तो एक नो वर्ग एले बे प्लस जेड की किंमत एक तो प्लस थ्री माइनस जीरो इज इक्वल टू माइनस फाइव अने ई जेड इज इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल जेड माइनस चलो पहला पद विकलन जेड सज नहीं जीरो प्लस जेड नु विकलन एक तो वध्यु शू थ्री वाय माइनस जेड नु विकलन एक तो टू एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू माइनस चलो जीरो लखवा नहीं थ्री वाय वाय नी किंमत टू है तो त्रण दू छ माइनस टू एक्स नो वर्ग एक नो वर्ग एक छो मती बे जैसे तो चार माइनस चार मतलब ई सदीश बराबर ई एक्स माइनस फोर आई कैरेट माइनस फाइव जे कैरेट माइनस फोर के कैरेट विद्युत स्थितिमान आपेलू हो तो विद्युत क्षेत्र शोधवा माटे विकलन करवू पड़े अने विद्युत क्षेत्र आपेलू होय विद्युत स्थितिमान शोधवू होय विद्युत स्थितिमान अथवा विद्युत स्थितिमान तफावत तो संकलन करवू पड़े ओके मित्रों तो आज आप आटले सुधी राखी जाइए अँ बीजा चेप्टरना त्रण लैक्चर थी गया प्रथम चेप्टर पर कम्प्लीट थी गयु है तो जे जे मुद्दाओं प्रथम चेप्टर ना आए ध्यान राखी तैयार करता रहीशू ओके ऑल द बेस्ट जय हिंद।